अब इंडिया में भी एवेंजर्स लेवल की टाइप की मूवी बनने वाली है। इस मूवी को बनने में लगेगा 4 से 5 साल और मैं बात कर रहा हूँ रामायण के बारे में। जी हाँ, हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर एक मूवी बनने वाली है और इस मूवी को बनने में 4 से 5 साल लगेंगे। तो क्या है पूरी अपडेट, क्या है डिटेल, कास्ट कौन सी होने वाली है, तो हर चीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। अब मैं कहूँ तो भाई, इस चीज के बारे में बात करी ना जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हर एक भारतीय को पता होगा कि रामायण की स्टोरी क्या है, उसके कैरेक्टर क्या हैं, उनकी बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है, उनकी खुद की ओरिजिनल, मतलब कह सकते हो अगर उनके कैरेक्टर के ऊपर भी मूवी बनाई जाए ना, तो वो तक तैयार है। जी हाँ, वो तक बन सकती है। बट यहाँ पे सिर्फ रामायण की बात हो रही है, तो भाई रामायण के बारे में तो हर किसी को पता ही है, काफी सारी एनिमेटेड मूवीज भी आ चुकी हैं। अब बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्टार कास्ट क्या होने वाली है। तो इस मूवी को 4 से 5 साल लगेंगे मूवी में और इसकी स्टार कास्ट जो होने वाली है वो है श्री राम। तो उनका कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं रणवीर कपूर, जिनके अभी हाल ही में शमशेरा मूवी आई थी, फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र आएगी, फिर एनिमल आएगी, फिर उसके बाद वो रामायण पे काम करेंगे। देन उसी के साथ जो उसमें सीता माता का रोल प्ले करने वाली है वो है दीपिका पादुकोण। उनका रोल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो वही कैरेक्टर प्ले करेंगी, फिर भी दीपिका पादुकोण इतनी बड़ी स्टार कास्ट पहले से कंफर्म है, तो भाई सीता माता का तो रोल प्ले करने वाली है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा हाइप पे चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में है, वो है हार्दिक रोशन, यानी कि ऋतिक रोशन इस मूवी में रावण का रोल प्ले करने वाले हैं। वो भाई, ये जब मैंने सुना ना, मैं खुश, क्योंकि वॉर में उनकी बॉडी पर्सनैलिटी एक्टिंग को देख के, और मुझे लगता है कि शायद रावण के लिए एक परफेक्ट कास्टिंग हुई है। बस मुझे श्री राम भगवान के लिए परफेक्ट कास्टिंग नहीं लग रही है रणवीर कपूर की। इसके अलावा वो और किसी को भी ले सकते थे, प्रभास को ले सकते थे, या फिर और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, क्योंकि थोड़ा लुक भी मैच करना होता है, बट कोई नहीं, 4 से 5 साल लगेंगे इस मूवी को। और इतना टाइम इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल लेवल की मूवी है, हर एक इसमें जो सीन दिखाए जाएंगे बहुत रिसर्च करके, और VFX पे काफ़ी भरकर काम होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट की, कि इस मूवी की अनाउंसमेंट कब होगी। तो साल 2023 के मिड में अनाउंसमेंट की बात चल रही है इस मूवी की, जब स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, राइटर, और देन उसी के साथ जब इसका बजट डिसाइड हो जाएगा, और देन जब सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए जाएंगे कि भाई 4 से 5 साल आपको और किसी मूवी पर काम नहीं करना है, सिर्फ रामायण पर काम करना है, तो भाई आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये मूवी कितने बड़े लेवल की होने वाली है। तो इस मूवी को जिसे सारे जब काम हो जाएंगे मेड 2023 में इसको अनाउंसमेंट करा जाएगा, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब बात करते हैं डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई दंगल और छछोरे जैसी जो सुपरहिट मूवी है उनको बनाने वाले नीतीश तिवारी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, और उन्हीं का ही ये आइडिया था कि रामायण पर काफी बड़े स्केल लेवल पे मूवी बनाई जाए। बाकी आपके हिसाब से कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए रामायण के लिए, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और हनुमान के लिए कौन सा एक्टर सही रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।